इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है और पहले ही क्षण से दुनिया के तौर तरीके सीखने लगता है। वो दुनिया को निहारता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके रंग में घुलने लगता है। उम्र के हर पड़ाव के साथ वो दुनिया को समझने लगता है और अपने आप को उसका एक हिस्सा बना लेता है। इसी प्रक्रिया के दौरान उसकी सोच, उसके विचार कायम होने लगते हैं और वो दुनिया से पूरी तरह जुड़ जाता है। फिर आती है दुनियावी जिम्मेदारियां। इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए, समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए वो कर्म के मार्ग पर चलता जाता है। अपनी सहूलियत के मुताबिक कुछ नियम बनाता है और दुनिया के ज्ञान को भी अपना लेता है। चक्र में, कर्मों के तार में इंसान उलझ जाता है। वो सोचता है कि वो जिंदगी जी रहा है पर केवल एक भूल भुलैया में भटकते रहता है। हर दिन एक नई जिम्मेदारी, हर दिन एक नया कर्म मार्ग, पर इससे बढ़कर और क्या? क्या इससे आगे हमारे जीवन के कोई मायने नहीं? इतनी बड़ी दुनिया में क्या हमारे वजूद का दायरा इतना छोटा है? इंसान जिंदगी के रहस्य को जाने बिना एक यंत्र की तरह जीता है। अपने वजूद को समझे बिना वो अंधकार में है और झूठ में जीता है। इंसान के पास कई सवालों का जवाब नहीं तो फिर किस बिना पर वो अपने आप को बुद्धिमान कहता है? कौन है जो समंदर की गहराई जान सकता है? कौन है जो जमीनों आसमान को नाप सकता है? कौन जानता है कितने तारे चमकते हैं आसमान पर? कोई इतनी खूबसूरत दुनिया कैसे बना सकता है? क्या आपने कभी इन बातों पर गौर किया? क्या आपने अपने खुद के जीवन को समझा है? आप कहां से आए हैं और इस जिंदगी के बाद कहां जाएंगे? क्या आप नहीं चाहते कि इन रहस्यों का भेद आपके सामने खुले? क्या आप अपने जानकर अनजान बनने वाली फितरत से बदलना चाहते हैं? सही बदलाव के लिए पहले सच जानना बहुत जरूरी है और इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई खुदा है। खुदा ने जमीन और आसमां को बनाया, हमें बनाया और हर अच्छी चीज से नवाजा है। जीवन के चक्रव्यूह से बचने के लिए इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस सृष्टि के निर्माणकर्ता सच्चे परमेश्वर को जाने और ये बात समझ ले कि सिर्फ उसके और उसके कारण हमारा वजूद है। ये मुक्ति की तरफ पहला कदम होगा। मुक्ति क्या है? मुक्ति यानी छुटकारा। दुनिया के चक्रव्यूह से, बुराइयों से, अंधकार से, आने वाली मृत्यु से, नरक की आग से। एक वक्त था जब लोग इन बातों पर ध्यान देते थे,
लेकिन आज बदलते जमाने के साथ जिंदगी की भागदौड़ में लोगों की प्राथमिकता बदल गई है। लेकिन यह बदलाव केवल इंसान और उसकी सोच में आया है, क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं बदला। आंखें बंद करके देखो, समय जैसा था वैसा ही है, जमीन जैसी थी वैसी ही है, और खुदा का प्यार हमारे लिए जैसा था वैसा ही है। खुदा प्यार है, जिंदगी है, सच्चाई है, लेकिन इस दुनिया में एक और मौजूदगी है जो खुदा की तरफ से नहीं, शैतान। वो नफरत और झूठ से भरा हुआ है और मृत्यु है, और उसी के फैलाए हुए जाल में आज इंसान फंसा हुआ है और सच्चे खुदा से दूर है। लेकिन ये हमारे लिए परमेश्वर की मर्जी नहीं। उसने हमें बनाया है तो वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। बाइबल में परमेश्वर का वायदा है कि उसकी योजना हमारे लिए कुशल की है, ना कि हानि की, और हमेशा की तरह खुदा ने अपने वादे को पूरा किया है। आज से करीब 2000 साल पहले एक शख्स इस धरती पर जन्मा। उद्धारकर्ता मसीहा, इस अंधेरी दुनिया की रोशनी, खुदा का अपना एक लौता बेटा। खुदा ने उसे इस धरती पर भेजा और उसके द्वारा हम सबको शैतान के जाल से निकलने का मौका दिया। वो एक ही है जो हमें इस दुनिया के चक्रव्यूह से, बुराइयों से और पापों से आजाद करता है। उसका नाम है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा से जन्मा हूबहू खुदा, निष्पाप होते हुए भी वो क्रूस पर चढ़ गया एक बलिदान के रूप में। क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना कीमती लहू बहाकर, उसने हमें शैतान की चंगुल से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। पाप की पगार तो मृत्यु है। इस नश्वर दुनिया से मिलकर, बुराइयों में जीकर, जो मृत्यु हमें मिलनी चाहिए वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और अपना अनंतकालीन और पवित्र जीवन हमें दे दिया एक भेंट के रूप में। यही तो उद्धार है। याद रखे कि उद्धार एक भेंट है, मुफ्त है। इसे पाने के लिए हमें किसी कर्म मार्ग पर चलने की जरूरत नहीं। बाइबल हमें बताती है कि इंसान अपने अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि अनुग्रह से, विश्वास द्वारा बचता है। इसीलिए उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है, और वो हमें बचा लेगा। यीशु मसीह ने कहा, सच सच कहता हूं मैं तुमसे, जो मेरे वचनों को सुनता है उस पर चलता है, जो मुझ पर ईमान रखता है वो हमेशा की जिंदगी पाएगा और उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। जिस तरह यीशु मसीह भी मरकर तीसरे दिन हमेशा के लिए जीवित हो उठे, उसी तरह वो हमें हमेशा की जिंदगी देने आए हैं। आज समय है नजात का, मुक्ति का, चुनाव का, और ये चुनाव आपको करना है। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाएगा। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, नश्वर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, अनंतकालीन है। आज परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें मौका दिया है कि हम उस पर विश्वास करके नए सिरे से जन्मे आत्मिक रूप से।
क्या आज आप इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे? तो आज ये प्रश्न आपके लिए उठता है, क्या यीशु संग चलना है? क्या आप सच्चे खुदा के साथ एक रिश्ता कायम कर जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्योंकि चौड़ा है नरक का रास्ता, लाखों उसमें जाते हैं, लेकिन तंग है जिंदगी का मार्ग, बहुत कम उसे पाते हैं। फैसला आपको करना है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं। यीशु संग चलना है, जीवन को बदलना है।